हाँ तो सर अभी तो आपका वो ऑफर आएगा ना ऑल इन वन पे, आप बोल रहे थे कि हाँ अभी न्यू ईयर क्रिसमस पे आने वाला है, टाइम ऑफर रहा भी है। आने वाला है, क्रिसमस पे भी शायद एक दिन के लिए क्रिसमस पे आएगा, 2 दिन के लिए न्यू ईयर पे आएगा। तो सर वो हाँ वो तो अब तो तुम्हारा फिक्स हो गया, तुम्हें स्ट्रक्चर में ही जाना है, अब दुनिया चाहे जहां जाए तुम्हें वहां जाना है, खत्म। ठीक है, और सर ये बुक का नाम क्या बताया थे सर आपने? डॉक्टर व्हील सा, चलो मैं तुम्हें भेज अच्छा दूंगा, अच्छा नाम मैं लिख के भेज दूंगा व्हाट्सएप पे, यस ठीक है ठीक ओके चलेगा। सर। ओके, थैंक यू सो मच आशीष, अच्छा लगा। और ये सबसे बड़ी चीज़ है कि हमने इसको रिकॉर्ड भी कर रखा है, तो बहुत से ऐसे लोग जो कन्फ्यूज़ हैं तुम्हारे तरह, कॉलेज में बहुत से बच्चे कन्फ्यूज़ हैं ना, मैं खुद भी था, ठीक है, तो उनको बड़ा लर्निंग मिलेगा कि हाँ यार ये चीज़ से ये बेनिफिट होता है कि पहले माइंड सेट फिक्स कर लो कि बी में कि पीवी में, एक चीज़ में ना, ठीक है। ये बहुत अच्छी चीज़ तुमने अभी क्लियर कर ली है, पता नहीं आगे तुम अगर इसी पर रहे तो बहुत ग्रोथ होगी यस आशीष, सर जरूर। चलेगा। चलिए थैंक यू सो मच आशीष, हाँ थैंक यू सर। ओके ओके। मैं आपका रिज्यूम देख रहा था, तो एक तो रिज्यूम में आपने बहुत थोड़ी बहुत मिस्टेक्स हैं काफी, ठीक है मैं अभी बताता हूँ, चलो कोई ना। अभी क्या कर रहे हो तुम, अभी तो सर बीटेक ही कर रहा हूँ, ये लास्ट ईयर है सर, फाइनल ईयर है। कहाँ से कर रहे हो? हाँ सर बैंगलोर से, दयानंद सागर कॉलेज। बेंगलोर से कर रहे हो, ओके। और क्या बोलते हैं आगे, क्या तुम्हारे माइंड में था, क्वेश्चन कुछ रहा होगा ना? सर वही तो कंफ्यूजन है सर, ऐसे तो सर मुझे वो गवर्नमेंट जॉब का प्रिपरेशन करना था आ रहा, वही SSC JEE का, बट सर ऐसा है कि थोड़ी थोड़ी आवाज़ तुम्हारी ब्रेक हो रही है, कुछ कहीं कुछ फंस रहा है क्या? अभी सही आ रहा है, अभी सही आ रहा है। जो बोल रहे थे ना गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करनी है, उसके बाद थोड़ा सा कट गया। हाँ वही बोल रहा था सर कि यहाँ होता है सर, मैंने ये SSC का तो प्रिपरेशन करा था, मैंने टेक्स्ट बुक से कोई कोर्स लेके रखा हुआ है, बट सर होता है कि यहाँ पे सॉफ्टवेयर का हो रहा है, मतलब आते कंपनी आती है ऑल ब्रांच एलिजिबल बोल देती है वो, तो वो मतलब मेरे बहुत सारे दोस्तों का हो जा हुआ हुआ है, तो वही प्रेशर है ना कि 4 लाख का पैकेज है, बहुत सारे दोस्तों लोग में का हो चुका है, तो मैं क्या करूँ, मेरा दिमाग वो हो जाता है कि इधर जाऊँ या उधर जाऊँ, अगर उधर देखता हूँ तो फिर इधर छूट जाता है, मतलब कंसिस्टेंसी नहीं रहता है, फिर उधर देखो अगर थोड़ा कोडिंग देखने लगता हूँ तो फिर इधर छूट जाता है। नहीं, पहली बात तो तुम्हें कोडिंग देखना ही नहीं है। एक देखो क्या होता है, जब तक अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रखोगे ना, पूरा लाइफ की ऐसी तैसी हो जाती है, ठीक है। मैं कभी कभी, मैं जब सुबह सुबह उठता हूँ ना, तो मेरे पास एक डायरी है, इस डायरी में मैं सुबह ही लिख लेता हूँ कि आज का मेरा टास्क क्या है, ठीक है। जिस दिन मैं गलती से भूल गया लिखना, बिलीव करो पूरे दिन में पूरा कुछ काम इधर चला जाता है, कुछ काम उधर, कुछ वही हाल तुम्हारा हो रहा है। पहली बात तो तुम कोडिंग बंद कर दो, ठीक है, पहला माइंड से क्लियर हो गया, अब तो भाई आईटी में जाना ही नहीं है क्योंकि कोडिंग बंद कर दिया। दूसरी बात, हमने कर रखी है सिविल इंजीनियरिंग्स, ठीक है, मतलब डेफिनेटली तुम कर रहे हो, तुम पास आउट होने वाले हो। तो अब तुम क्या करो कि तुम्हारे पास कुछ लाइंस है, तुम भी वैसे पूछ सकते हो कि सर कौन कौन सी लाइंस हैं जिनमें हम जा सकते हैं, ठीक है। एक लाइन मैंने बंद कर दिया, दैट वॉज कोडिंग, ठीक है। जितने भी लोग जा रहे हैं कोडिंग में, मैं नहीं, मैं मना करता हूँ, फिर आपने इंजीनियरिंग क्यों की इसमें, सीधी सीधी बात है। तो अब ये बोलेंगे ग्रोथ नहीं है, मैं बता रहा हूँ ग्रोथ है, कितना पैकेज चाहिए मैं बता रहा हूँ, किस प्रोफाइल में पैकेज मिल जाएगा। तो एक चैप्टर क्लोज, दूसरा चैप्टर था गवर्नमेंट जॉब का, वो कुछ चैप्टर भी क्लोज कर दो। क्यों? वहां पर चांसेस कम है, टाइम ज्यादा लगने वाला है, और पॉसिबिलिटी जो प्रोबेबिलिटी हम लोग पढ़ते हैं वो भी नहीं है, ठीक है। एग्जाम कब होगा, रिजल्ट कब आएगा, प्लस आएगा तो उसमें कितने लोगों का होगा और कितने लोग एग्जाम दे रहे हैं, बहुत टाइम लेने वाला है। पता चला उसके चक्कर में आपने 2 साल अपने लगा दिए, इस 2 साल में अगर कुछ सीखा होता ना तो आप ज्यादा पैसे कमा लेते हैं, ठीक है। तो दूसरा क्लोज उसको भी कर दो, तुम्हें कभी देने का शौक रहेगा तो तुम अगर तुम मेहनती रहोगे तो तुम रात में कभी थोड़ी बहुत अपनी सेल्फ स्टडी को इम्प्रूव करते करते दे लेना, बट उसके लिए टाइम निकालना बंद कर दो। गवर्नमेंट जॉब खत्म हो गया और ये भी खत्म हो गया, अब आते हैं सिविल इंजीनियर से बात करते हैं। तो तुम एक सिविल इंजीनियर हो जिसके पास कुछ प्रोफाइल्स हैं, फिक्स प्रोफाइल है, ठीक है। कौन कौन सी फिक्स प्रोफाइल है इधर? एक तो प्रोफाइल है साइट इंजीनियरिंग का, जो तुम्हें हर जगह दिखता होगा, ठीक है। अब तुम इसी की वजह से तुमने नफरत करने लगे अपने डोमेन से, क्या नफरत करने लगे, तुमने देखा तुम्हारे जो दोस्त लोग थे वो पैकेज अच्छा पा रहे थे, और जो तुम थे तुम्हारा पैकेज कम, मतलब जो सराउंडिंग में देख रहे हो 10-12 हज़ार रुपए, उसके चक्कर में तुम्हारा हाँ वही दिल, 10 बार। हाँ तो उसके चक्कर में तुम्हारा जो दिल है वो ब्रेकअप की तरफ आ गया सिविल से। तो वो जो चैप्टर है उसको भी तुम क्लोज कर दो, तुमने गवर्नमेंट जॉब क्लोज कर दिया, साइट इंजीनियरिंग क्लोज कर दिया और कोडिंग क्लोज कर दिया। अब क्या बचा? लैपटॉप है, तुम्हारे पास यस लैपटॉप सर है, ठीक है। हाँ यस सर चार सबसे बेहतरीन सेक्टर बता रहा हूं जिसमें तुम करियर के लिए आज से ही सोचना स्टार्ट कर दो, एक हफ्ते के अंदर फाइनल कर लेना किसमें जाना है। वीडियो सबके देखो, जिसमें ज्यादा इंटरेस्ट आने लगे उसी में आ जाना। कौन कौन से हैं? पहला है स्ट्रक्चर का प्रोफाइल, ठीक है।
फुल स्टडी मारो, जितने वीडियो से स्ट्रक्चर के मिले मैक्सिमम मेरे या फिर किसी के भी, ठीक है, स्ट्रक्चर का वीडियो खूब देखो, ठीक है। स्ट्रक्चर का एक ऐसा प्रोफाइल है जिसमें ग्रोथ अनलिमिटेड है, अनलिमिटेड, ठीक है। दूसरी प्रोफाइल है बीम की, बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग की, जितने वीडियो हो सकते हैं बीम के सारे बीम से वीडियो देख डालो, ये रिकॉर्डिंग दे दूंगा सो याद करने की जरूरत नहीं है ज्यादा। तो बीम में जितने हो सकता है ज्यादा से ज्यादा बीम का वीडियो देखो, समझो बीम में होता क्या क्या है, ऑलरेडी मैंने ही सफिशियंट बता रखे हैं, ठीक है। तीसरा हाँ, मैं देखा पीईबी, आपके वीडियो, देखा हूँ हाँ यूट्यूब तीसरा पे वीडियो, देखा हूँ सर। तीसरा पीईबी, प्री इंजीनियरिंग बिल्डिंग्स, इस पर रिसर्च मारो, जितना तुम रिसर्च मार सकते हो, अगर तुम्हारा इंटरेस्ट आता है तो यहीं रुक जाना। और चौथा है तुम्हारा लास्ट प्रोफाइल प्रीकास्ट, तुम्हारे बेंगलोर में प्रीकास्ट का काफी बड़ा क्रेज है, ठीक है। इन चारों प्रोफाइल पर आज ही खूब रिसर्च मारना, एक हफ्ते तक रिसर्च मारो और तुम एक फिक्स कर दो खुद को, मैं तुमको गारंटी के साथ बोल रहा हूं, तुम इन चार में से किसी एक प्रोफाइल पर मास्टर बन के आओ, ठीक है। तुम जितना पैकेज चाहोगे आईटी से ज्यादा पैकेज लेके जाओगे। अब क्यों देखो, क्योंकि तुम्हारे पास एक फिक्स हो गया ना, अभी तक सिविल इंजीनियरिंग इतना बड़ा जिसमें से तुमने कई चीजें काट दी, गवर्नमेंट जॉब काट दिया, तुमने कोडिंग वोडिंग भी काट दिया, तुमने साइट भी काट दिया, अब ये चार, और इन चारों में से कोई एक, चलो मैं अभी के लिए तुम्हारा क्या चूज कर लो, तुम सोचो, सोचो चारों में से अगर चॉइस करना पड़े तो तुम किस में जाना चाहोगे, स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर्स में, ठीक है। सब जैसे खत्म कर दो, केवल स्ट्रक्चर की के तरफ ध्यान दो। अब पता है क्या होगा कि अब तुम्हारा पैशन अपने आप बढ़ने लगेगा, कब, जब तुम्हें स्ट्रक्चर के बारे में जानकारी, तुम्हें क्लियर हो गया ना सब कुछ स्ट्रक्चर, तो स्ट्रक्चर में क्या हो सकता है ब्रदर, सबसे अच्छी चीज स्ट्रक्चर के लिए ऑटोकैड तो चाहिए ही चाहिए, ठीक है। ये सब तुम बोलोगे मुझे आता भी है, क्योंकि मैक्सिमम लोग ऑटोकैड सीख रखते हैं, राइट, लेकिन जो जो सीखे रहते हो वो सफिशियंट नहीं होता है और सीखना पड़ता है, ठीक है। वो जनरल तुम ऑटोकैड सीखते हो जो कि टूल्स रहता है, इसीलिए तो सर आपका कोर्स लिया हुआ हाँ, क्या ऑल है, इन वन ऑटो लिया है कैड का क्या, मैंने कोर्स लिया है। अच्छा ऑटो कैड लिया नहीं, क्या, ऑल इन वन सर मुझे लेना है ये। ओके ओके, आप अगर नेक्स्ट टाइम जब आता है ना, एग्जाम खत्म होने हाँ वाला, उसके बाद मैं ले लूंगा वो। बिल्कुल। तो अगर तुम स्ट्रक्चर में सच में जाना चाहते हो तो उसमें ही चले जाना, ये नहीं कि मैं अपने कोर्स के बारे में बता रहा हूँ, मैं तुम्हें ये बता रहा हूँ कि देखो अगर तुमने ऑटो कैड सीख रखी है ब्रदर, स्टेटपो सीख रखा है, ईटैब सीख रखा है, ठीक है, और इन दोनों में भी एक्सीलेंट लेवल पे हो तुम, और सेफ सीख रखा है फुटिंग के लिए, तो मैं तुम्हें क्यों नहीं हायर करूंगा। एक स्ट्रक्चर इंजीनियर की रिक्वायरमेंट क्या है, ठीक है, तो स्ट्रक्चर इंजीनियर को चाहिए कि एक बिल्डिंग को डिजाइन करके दे दे, और तुम्हारे पास फिक्स हो गया कि तुम्हें ईटैब आता है, बिल्डिंग डिजाइन कर लोगे, फुटिंग से फुटिंग के लिए सेफ यूज कर लोगे, छोटा प्रोजेक्ट है स्टेटपो यूज कर लोगे, ऑटोकैड आती ही आती है, अब मैं तुमको क्यों नहीं हायर करूंगा आशीष बताओ, जी ठीक है। अब सोचो कि चलो ठीक है, अभी ये भी छोड़ दिया मैंने स्ट्रक्चर को भी, अब तुम्हें बात आती है पैकेज की, जहां पे तुम्हारा दिमाग हिल जाता है कि ये आईटी वाले मेरे साथ वाले इतना पढ़ रहे हैं, हम इतना, राइट। तो अब ये सर्च करो कि इंडिया में स्ट्रक्चर की जो सबसे बेस्ट कंपनीज हैं वो कौन सी हैं, ठीक है, चलो मान लो कि एक दो कोई ही बेस्ट कंपनीज हो सकती है, एलएनटी में भी स्ट्रक्चर में काम होता है, ठीक है, और भी बहुत से ऐसे कंपनीज है जहां पे स्ट्रक्चर में काम होता है, सर्च कर लिया, मान लो जेडब्ल्यू कंसल्टेंट है, ठीक है, जेडब्ल्यू भी काफी अच्छी कंपनी है। तो अब तुम देखो कि जेडब्ल्यू में मेरा सिलेक्शन क्यों नहीं हो रहा है, बाद में पता चलेगा कि स्किल्स का प्रॉब्लम है, ठीक है, यही बाद में हट के यही आता है कि स्किल्स का प्रॉब्लम है, क्योंकि जो कॉलेज में सीखे रहते हैं ना वो कॉर्पोरेट से मैच नहीं करता है, कॉर्पोरेट यहाँ है नहीं कॉलेज यहाँ है, तो तुम ये सोचो कि क्या बोलते हैं, ऐसा कोई ब्रिज है क्या जो मुझे इसको बराबर मतलब मिला देगा, ठीक है। तो मैं ये बोलूंगा कि ऑल इन वन आपको काफी हद तक मिला देगा अगर आप उसको कर लोगे तो, और एक बुक मैंने बताता हूँ हमेशा, डॉक्टर वी एल शाह सर की, ठीक है, वो बुक भी तुम ले लेना, डॉक्टर वी एल शाह की, डॉक्टर वील सर, हाँ वो बुक पूरा का पूरा स्ट्रक्चर को जो जोड़ देता है, स्ट्रक्चर, ये छोटी छोटी कमियां होती है ना इंसान की जो कॉलेज में नहीं पढ़ा रहता है वो सब कवर कर देगा वो, ठीक है, बिलीव करिए। उसके बाद तुम अगर टॉप कंपनीज में अप्लाई करना स्टार्ट करोगे, सिलेक्शन लेके आओगे बेटा, अगर यूनिक सिविल सर कॉस्ट, ऐसा हाँ बताओ, ऐसा नहीं सर कि वो कंपनी में ही जाना है सर, वो अपना वो भी कर सकते हैं ना, वो जब आपने एक बार बोला था वो अपना खोल सकते हैं हम। कि सर पटना करेक्ट, में है सर, मेरे मामा है सर, वो कंस्ट्रक्शन लाइन में है, तो थोड़ा बहुत हेल्प तो मिल ही जाएगा मेरे ख्याल से वहां से। करेक्ट, बिल्कुल मिल जाएगा ब्रदर, ठीक है। अगर तुमको ये फिक्स है, देखो क्या होता है कि अभी आज डे में जैसे मैं कॉलेज में था तभी मुझे क्लियर था कि मुझे बिजनेस करना है, ठीक है, मेरा जी सर, माइंडसेट पूरा फिक्स था कि बिजनेस करना है, मेरे पास पैसे नहीं थे इसके वजह से मैंने जॉब किया, ये फैक्ट है, इवन मतलब ये मैं हमेशा से अपने आप को मानता हूँ, जिस दिन मेरे पास पैसा हुआ उसी दिन मैंने जॉब लेफ्ट कर दी। अगर तुम्हारे पास ऐसी कंडीशन की प्रॉब्लम नहीं है कि पैसे की, तो
तुम स्टार्ट कर दो। लेकिन स्टार्ट करने के लिए भी क्या होता है, ये ना ये प्रैक्टिकल वर्क है, ये क्रिएटिव वर्क्स है ना, ये जो अपनी इंजीनियरिंग है ये क्रिएटिव है। इंजीनियरिंग का मतलब होता है कुछ क्रिएट करना ना, तो इस क्रिएशन के लिए बेहतरीन होता है कि किसी के अंदर में कुछ दिन तक काम जरूर करो, बहुत लर्निंग मिलती है। ठीक है, जब आप किसी के अंदर में काम करोगे, इट्स नॉट अबाउट मनी, इट्स अबाउट क्या वो थॉट प्रोसेस के साथ वो काम कर रहे हैं, क्या क्या हमको सीखने को मिल रहा है। जैसे तुम ऑल इन वन भी सीखोगे ना, बहुत से स्ट्रक्चर के कॉन्सेप्ट तुम्हारा वहां क्लियर हो जाएगा। फिर 6 महीने साल भर काम कर लो, कहीं पे भी काम कर लो। अगर तुम्हारा ये माइंड सेट है कि मुझे अपना काम करना, तो भी कोई टेंशन ही नहीं, तब तुम काहे कोडिंग के चक्कर अपना टाइम बर्बाद कर रहे हो। गवर्नमेंट जॉब क्या देगा यार, ठीक है, मतलब मैं खुद भी, तुम बिहार से हो शायद ना, मैं उत्तर प्रदेश यस हूँ, पटना से। मैं उत्तर प्रदेश हूँ, तो मेरे घर वालों को भी लगता है कि मैं कुछ नहीं कर, मतलब उनके अकॉर्डिंग लगता है कि मैं गवर्नमेंट जॉब में होता तो ज्यादा बेटर होता। और गवर्नमेंट जॉब में एक अच्छी, मतलब अगर नंबर एक का पैसा कमाओगे तो तुम्हें तो पता है 50,000 रुपये से ज्यादा सैलरी नहीं है, हद है कि 60,000 रुपये। और 50 के हिसाब से अगर तुम साल भर में कमाओगे तो 6 लाख रुपए कमाओगे, 6 लाख रुपए साल भर में तुम्हारी अर्निंग हुई। और तुम बिजनेस में, ठीक है, मेरा ऐसा भी महीना गया है जिसमें मैंने ये साल भर का अमाउंट एक महीने में ले लिया है, प्रोजेक्ट के ऊपर है। ठीक है, यहाँ पर यस कुछ ऐसे रिवील नहीं करना है अपने को, क्योंकि घर वाले वीडियो देखते हैं, डांट खाएंगे। तो लेकिन क्या बोलते हैं, ये समझो कि जो गवर्नमेंट जॉब में तुम साल भर में कमाने वाले, तो तुम एक महीने में कमा लोगे, खुद का अगर ऑर्गेनाइजेशन है तो काहे को जाना उधर। सर ठीक है, अब ये बस ये माइंडसेट बना लो कि मुझे स्ट्रक्चर तुमने चूज कर लिया है, सही है या गलत करके देखेंगे, करने के बाद पता चल जाएगा खुद ही। और सही तो डेफिनेटली यस अभी तक ना, तो वही ना, देखो क्या होता है ना, अपने साथ में जब कई लड़के रहते हैं ना, अपने ही ग्रुप के रहेंगे तो सबसे बेटर, मतलब स्ट्रक्चर वाले ही सब रहेंगे ना, तुम्हारा माइंड इधर उधर नहीं जाएगा। अब क्या हाँ होता ये होता है सर, ये होता है, ठीक है, तुम मेरे वीडियोस एटमोसफेयर देखते मैटर करता रहोगे है। तो तुम्हारा माइंडसेट स्ट्रक्चर वाला ही बना रहेगा। और तुम इसी में, अभी एक सीएस वाला दोस्त है, एक आईटी वाला है, भाई यार मेरा तो 6 लाख का पैकेज लग गया, हो गया, अब तो हमारा सब खत्म, अब गुस्से में आ गए, अब क्या करें। ऐसा होता है ना, कॉलेज का सबसे सर बड़ा दूसरे समस्या, डिपार्टमेंट के सर सिविल वाले भी ले चुके हैं ना, सिविल वाले सिविल भी ले वाले में चुके हैं। 3 4 दोस्त है, वो भी ले चुके हैं। तुमको बताऊं क्या, सिविल में इतना पैसा है, ठीक है, कल मैं आज तक का न्यूज देख रहा था कि सबसे ज्यादा बुकिंग इस समय, सब मानती है तो मानते ही होगे, इस समय सबसे कम, मतलब लोगों की हालत खराब है कोरोना की वजह से, ये तो मानते हो ना। यस सर अब तक का रिकॉर्ड फ्लैट बुकिंग इस साल हुआ है 2021 में, कल का आज तक का न्यूज पढ़ना, ठीक है, मतलब ये सोचो कि इस हालत में भी कंस्ट्रक्शन का काम हाई पर है, कंस्ट्रक्शन का काम तो वहीं पर ही है, सोच लो। फिर वो नहीं तुम, रुकने वाला कभी। फिर हमें इनकी नौकरी करना क्यों, ठीक है, जो 5 6 लाख बता रहे हैं ना, इनको बोलो कि 2 4 साल कर लो, इसके बाद मैं ही तुमको हायर कर लूंगा। ये ताकत होती है सिविल इंजीनियरिंग के अंदर, बहुत पैसा है, बहुत पैसा है। एक एक प्रोजेक्ट ऐसे ऐसे मिल जाते हैं ना जिसमें 30 लाख 35 लाख का प्रोजेक्ट है, 10 लाख की मार्जिन है, 6 महीने के अंदर 10 लाख आने वाला है, सोचो। तो वो डिपेंड करता है ना कि हाँ, हमें ये होता है ना, स्टार्टिंग में पैकेज नहीं मिल रहा है, बस यही एक प्रॉब्लम होती है। जैसे तो इस, स्टार्टिंग है ये। हाँ, उसके बाद सिविल इंजीनियर का जो पैसे का वैल्यूएशन है उसको कोई कंपेयर नहीं कर सकता है, और सबसे ज्यादा मैं मानता हूँ पैसा इसी डोमेन में है। तुम बस क्लियर कर लो कि ये सब चीज अब खत्म आज से, इसका बिहार का मतलब, बिहार और यूपी की सबसे बड़ी समस्या यही है, मैं खुद उत्तर प्रदेश से इलाहाबाद से हूँ, ठीक है, मतलब गवर्नमेंट जॉब, मतलब गवर्नमेंट जॉब, हाँ सर पागल हो जाओ गवर्नमेंट उसके पीछे, ठीक है, ये घर वही वाले है। बोलते हैं गवर्नमेंट देख लो थोड़ा, क्या करोगे बाहर। अरे मैं तो बोल रहा हूँ, मतलब मैं अगर किसी भी एक सेक्टर में बाबू पर लग जाऊं ना, बाबू के पोस्ट पर लग जाऊं ना, तो मेरे घर वाले हैप्पी हो जाएंगे, ठीक है। दे डोंट वॉन्ट मनी, दे वॉन्ट कि ये, इसकी जो लाइफ है वो सेफ हो जाएगी, और हाँ अकॉर्डिंग टू देयर माइंड सेट, उनके माइंड सेट के वो, बट ऐसा कुछ नहीं है। आपके पास 2 CR है, आपने म्यूचुअल फंड में डाल दिया है 2 CR ना, तो आप, जिंदगी आपकी क्लियर है, ठीक है, 2 करोड़ लेने के बाद आपकी जिंदगी क्लियर है, माइंड सेट आपका क्लियर हो जाएगा। चलो फिर हाल इस पे नहीं, हम लोग, तुम यही करो, ठीक है, आशीष, मतलब टेंशन फ्री होके एक प्रोफाइल, बाकी दुनिया में क्या हो रहा है भाड़ में जाए, अब केवल स्ट्रक्चर से लगन लगा नहीं, उसी से प्यार कर लो। अगर वो ब्रेकअप भी करेगी ना तो तुम्हारा कंपनी खुलवा देगी, ठीक है। और इस समय, यस और कॉलेज के टाइम का सबसे बड़ी समस्या ये है कि, मतलब हम लोग भी कॉलेज ही की है, किसी से फ्रेंडशिप हो गई, ठीक है, तो थोड़ी सी रायचंद वो भी बन जाती है, ठीक है, कि क्या बोलते हैं, ये कर लो, देखो अपना वो फ्रेंड था ना, उसका ये पैकेज लगा, तभी तो पापा मानेंगे शादी के लिए,
ठीक है, ऐसे में भी कई लोग लुट जाते हैं, ठीक है, तो उनको ये नहीं पता है कि कुछ साल के बाद सिविल में जो पैसा आता है ना बहुत ज्यादा आता है, ऐसे टेंशन फ्री होके स्ट्रक्चर के लिए लग जाओ उधर। और बताओ, और क्या डाउट आता है? और सर, और तो कुछ नहीं सर। ऐसे मैंने एक बार, वो सर थे ना, वो मैंने टेस्ट में कोर्स किया था, तो वहाँ प्रतीक सर है एक, अच्छा, तो उनसे भी मैंने यही पूछा, तो बोले कि क्या करोगे बाहर, ये इतना टेंशन रहेगा, वो रहेगा, घर पे आके गुस्सा निकालोगे, मिल रहा है ले लो, बोरिंग काम है लेकिन ठीक है। तभी क्या ले तो लो? सर उस टाइम ही मेरा जो दिमाग घूम गया था, क्या अच्छा करे क्या नहीं करे, तब से ही थोड़ा टेंशन आ गया था। अच्छा मैं टेस्ट बुक जानता नहीं हूँ वैसे, क्या है ये? कोई यूट्यूब चैनल है क्या टेस्ट ट्यूब, टेस्ट नहीं बुक? सर, टेस्ट बुक है, एप्लीकेशन है ना, जिसपे वो जैसे अन अकेडमी है, लेकिन अकेडमी तो बहुत महंगा होता है अच्छा सर, अच्छा उतना अच्छा तो अफोर्ड नहीं कर सकते। ओके ओके ओके, तो नहीं टेस्ट मुझे बुक का पता सर नहीं है। 3 3 हज़ार तक वो कोर्स मिल जाता है, कुछ भी SSCJ या फिर AJEE का मेरा कोर्स, मेरा रिकॉर्ड नॉर्मल रहा है, कोर्स। आज तक मैंने किसी भी गवर्नमेंट जॉब का एग्जाम ही नहीं दिया है, मतलब रिकॉर्ड, मतलब पहले ही क्लियर था क्या बिजनेस। फिर लोग बोलेंगे 5 साल जॉब क्यों किया, जॉब इसीलिए किया क्योंकि पैसे नहीं थे, तो भाई क्या करते, कौन सा बिजनेस करोगे बिना पैसे के? ठीक है, जिस दिन मेरे जी पास सर, पैसे आया मैंने उसी दिन छोड़ दिया, एंड नाउ आई एम हैप्पी, क्योंकि अभी मुझे पता है कि हमारी जो सेविंग्स होती है ज्यादा होती है कंपेयर टू जॉब, 10 टाइम्स ज्यादा होती है। ठीक है, मुझे वही करना है सर, वो अपना खुद का बहुत खोलना है। बता रहा हूँ, सिविल में बहुत पैसा है, 1 साल लगो तो सही कहीं से। कोई भी स्ट्रक्चर कंसल्टेंट है, सर मुझे जॉब पे रखोगे, फ्री में रखोगे क्या? कर लो, 1 साल की बात है, उसके बाद तुम जो करोगे वो क्या होगा? बहुत हाई लेवल का होगा। ठीक है, फिर फ्री में करने की जरूरत नहीं है। स्ट्रक्चर में अगर तुम एमएनसी, ब्लैक एंड विच कंपनी है, 3.6 का पैकेज देती है, बुरा थोड़ी है, सिखा भी रही है 3.6। तो तुम सर्च करो कि टॉप स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग कंपनीज इन इंडिया, रिज्यूम फेंकना स्टार्ट कर दो, अभी तुम कॉलेज में हो, तुम्हारे पास टाइम भी है, थोड़ा सा रिज्यूम सही हाँ से सर, बना वो लो। तो हमारे है। रिज्यूम में कुछ समस्याएं थी जो मैंने देखा था, मैं तुमको दिखा देता हूँ। इसमें थोड़ा मेकअप वगैरह ज़्यादा कर दिया था तुमने, जैसे कि ये देखो, अभी पहले तो फोटो हटा दो, ठीक है, और ये दानापुर, एक एक गाड़ी हम लोग की तरह, यहाँ पुणे में मैं रहता हूँ, तो पुणे पटना एक तो चलती है ना एक ट्रेन, तो तुमने उसी तरीके से, तो ये कभी भी इतना एड्रेस नहीं लिखने का, ठीक है, कि ये तुम्हारा रोड नंबर 4A, मैं यहाँ पे जाके क्या करूँगा, नॉट रिक्वायर्ड। ठीक है, तो तुम्हें क्या करना चाहिए, तुम पहले तो प्रेजेंट एड्रेस, यहाँ पर जो एड्रेस डाला जाता है प्रेजेंट, सपोज तुम इसमें बैंगलोर में हो, तो कुछ एरिया का नाम होगा, उसके बाद बैंगलोर, फिर पिन कोड, ये परमानेंट एड्रेस कभी भी आगे नहीं लगाना चाहिए। अब तुम बोलोगे सर ऐसा आप क्यों बोल रहे हो, ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अगर मेरी कंपनी है, मान लो यूनिक सिविल पुणे में, पुणे से बिलोंग करती है, अब मैं एक बंदे को बुलाऊँ जो कि पटना से है, पहले तो वो इंटरव्यू देने नहीं आएगा, इंटरव्यू देने आएगा और रिजेक्ट हो गया तो बड़ा दुखी होगा, ठीक है, तो मैं इसलिए उसको शॉर्टलिस्ट ही नहीं करूंगा, टेंशन ही खत्म। लेकिन अगर जहां पर पुणे मेरी कंपनी है वहां के बगल की में, आसपास में 10 किलोमीटर के अंदर अगर कंपनी का एड्रेस है, फट से मैं बुलाऊंगा, अच्छा रहा तो हायर किया, नहीं अच्छा रहा तो उसको भी दुख नहीं हुआ, मुझे भी दुख नहीं हुआ। ठीक है, जी तो पहले लोकल एड्रेस, ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज, चलो करियर ऑब्जेक्टिव वगैरह ठीक है, और अच्छा भी लिख सकते हो बट ठीक है, और यहाँ पर बीटेक वो तो जिसने सर ऐसे ही मेरे, लिख दिया सर, वो हाँ खुद का नहीं है, कहीं हाँ से वही देखा जो, था वही कॉपी हाँ किया मुझे हो। लग रहा था कि तुमने फोटोस्टेट की दुकान से ही निकलवाया है, ठीक है, तो हाँ ये किसी दोस्त ने बनाया था, तुमने उसी को कॉपी पेस्ट मार दिया है, तो ये हटा दो। वही 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 हाँ समझ गया, मैं कॉलेज में भी पढ़ा हूँ। तो ये तुम्हारा जो है, और ये बीटेक ऑफकोर्स तुम सिविल में हो, तुम्हें प्रूफ करने की जरूरत नहीं है भाई, ठीक है, मतलब तुम बीटेक सिविल में ही होगे तभी आए हो उस कंस्ट्रक्शन की कंपनी में इंटरव्यू देने के लिए। और यहाँ पर जो तुमने एरिया ऑफ इंटरेस्ट लिखा है, ये बहुत गलत तरीके, पूरा रिज्यूम तुम्हारा एक्चुअली क्रैश चला गया, ये रिज्यूम अगर तुम सोचोगे कि शॉर्टलिस्ट हो तो ये शॉर्टलिस्ट नहीं होगा। तो तुम बोलोगे सर रिज्यूम कौन सा शॉर्टलिस्ट होगा, तो मैं तुम्हें सिंपल दिखा देता हूँ, सिंपल, एकदम सिंपल रिज्यूम रहता है ना, वही शॉर्टलिस्ट होता है। देखा यहाँ पर, ये इसका रिज्यूम था, ठीक है, इसका रिज्यूम है, ठीक है, अब देखो ये कितना सिंपल रिज्यूम है। अब तुम्हारे कॉलेज की लैंग्वेज बोला जाएगा, अरे इसमें कुछ है ही नहीं है, ये तो पुराने टाइप का रिज्यूम है, बट ये सबसे बेस्ट रिज्यूम है फॉर फ्रेशर्स, करियर ऑब्जेक्टिव्स, एकेडमिक, टेक्निकल स्किल्स, प्रॉपर जैसे इसमें लिखा है इसी तरीके से ही लिखा रहना चाहिए। प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस जो भी अगर तुमने कॉलेज में सीखा है एक्सप्रेस करो, प्रोजेक्ट जो भी कर रहे हो अच्छे से एक्सप्लेन करो, प्रोजेक्ट इसने देखो गलत किया है, इसने प्रोजेक्ट को एक लाइन में कर दिया है, दैट इज रॉन्ग, तुम्हें प्रोजेक्ट को डिस्क्राइब करना चाहिए, ट्रेनिंग कहीं से किए हो समर वगैरह का तो वो कर दो, ठीक है, या फिर जो भी कोर्सेज वगैरह किए हो अगर यूनिक सिविल से किए हो तो वो मेंशन कर दो, जो भी किया है तुमने वो मेंशन करके कर दो, ठीक है। इस तरह से सिंपल रिज्यूम बनाओगे, तुम्हारे शॉर्ट लिस्टिंग का चांस ज्यादा रहेगा आशीष,
और साथ ही साथ इसमें तुम बड़ा कर पाओगे, ठीक है? होप तुम्हारा एकदम अच्छा, माइंड क्लियर हो इंटर्नशिप गया करना भी जरूरी है है। सर? इंटर्नशिप, क्योंकि अभी 1 महीना छुट्टी होने वाला है, क्योंकि एग्जाम के बाद तो छुट्टी हो जाएगा कि सर? पहले मैंने इंटर्नशिप किया नहीं, जो इंटर्नशिप मैंने डाला है वो मैंने अपने दोस्त का, एक था वो कंपनी था, उसको मैंने बोला कि भाई बना दे, तो बना दिया वो। सही है, ठीक है, ऐसे ही सभी करते हैं मैक्सिमम कॉलेज में। ये गलत है। इंटर्नशिप तुम बोल रहे हो कि इंटर्नशिप करना सही है या नहीं, ये बोल रहे हो ना? यस सर, मतलब ये अगर अभी आने वाला है, इसीलिए 1 महीने बाद तो छुट्टी हो जाएगी, हाँ, तो 1 महीने का गैप होगा। अगर तुमने ये क्लियर कर लिया कि मुझे स्ट्रक्चर में जाना है, जैसे आज हमारी कन्वर्सेशन में जहां तक है तुम क्लियर हो गए हो, यस सर, ठीक है, तो अब तुम इंटर्नशिप करो। लेकिन इंटर्नशिप के लिए कोई स्ट्रक्चर इंजीनियर को ही सर्च करो, ठीक है? ओके okay. थोड़ा दूर होगा, मुझे किराया देना पड़ेगा, आई एम रेडी विद दैट, ठीक है? लेकिन सर्च करूंगा तो स्ट्रक्चर इंजीनियर को सर्च करूंगा, ठीक है? क्यों? क्योंकि मुझे पानी बनाने वाली कंपनी का ही मैं ही अपना करियर बनाना है। मुझे कल को पानी और वाला पानी बनाना है, तो मैं काहे इधर उधर घूमू? अगर मुझे पानी के बारे में रिसर्च करना है तो नदी में जाने से अच्छा, डैम में जाने से अच्छा डायरेक्ट और वाली कंपनी में जाता हूं ना, ठीक है? तो तुम अगर इंटर्नशिप करना चाहते हो तो डायरेक्ट और वाली कंपनी, मतलब स्ट्रक्चर की कंपनी में जाओ, छोटी हो बड़ी हो, तुम्हारा पैसा लगे। अगर वो बोलते हैं कि 10,000 रुपये में, अच्छा मैं अपनी ट्रेनिंग के बारे में बताता हूँ, हमारा जानते हो कॉलेज में तो कोई ट्रेनिंग अच्छे से लैब वगैरह करता नहीं है, स्ट्रक्चर का लैब तो खास हाँ तौर तो से कोई अटेंड नहीं लैब, करता, मैं भी नहीं किया था। तो मैंने इंटर्नशिप के लिए कई ढेर सारी NITs हैं, एक NIT इलाहाबाद है। तुमने स्टील स्ट्रक्चर की बुक पढ़ी होगी, इसके दुग्गल सर की पढ़ी है क्या? पढ़ो गया तो, अभी यस सर पढ़ी है ना, अभी वो रिटायर हो पढ़ी गया है वैसे। सर, उतनी ठीक से पढ़ी नहीं, वो तो लॉकडाउन में से निकल गया वो तो। सबसे बेहतरीन बुक है वो, ठीक है? और तो एसके दुग्गल सर थे, तो वो लोग वो इंटर्नशिप चलाते थे, अभी वो रिटायर हो गए पिछले साल, तो वो इंटर्नशिप चलाते थे NIT इलाहाबाद में लैब्स का, ठीक है? तो मैं उनके यहाँ पर 10,000 रुपये, उस टाइम पे 10,000 बड़ा अमाउंट था, 10,000 रुपये दे के मैंने ट्रेनिंग ली थी। दैट वॉज द बेस्ट ट्रेनिंग, ठीक है? मतलब स्टील के एक एक टेस्ट उन्होंने मैंने मेरे से हाथ से करवाया था कि यू कैन डू दैट बाई योर सेल्फ। कंक्रीट का सारा टेस्ट मैंने किया। तो सर्च कर लो, NITs बहुत ढेर सारी हैं जो समर्स में विंटर्स में ट्रेनिंग करवाती हैं इंटर्नशिप की, 1 महीने 2 महीने 3 महीने एनआईटी कंकर्रेंट, एनआईटी में होती है सर? सारी NITs में, सारी IITs में होती है, ठीक है? अभी समय कहाँ है, तुम्हें रिसर्च करना पड़ेगा। एक तो हमारे NIT इलाहाबाद में पक्का होता है, तुम वहां पर सर्च कर लो, वहां पर आने वाला भी होगा, अभी विंटर का भी समर में भी होता है वहां पे होता रहता है, फिलहाल कई जगहों पे होता है, IIT कानपुर में भी होता है। तो इसके बारे में सर्च करो और वहीं पर इंटर्नशिप करो ब्रदर। और कोई डाउट है? नहीं सर, और कोई डाउट नहीं है। चलो, बहुत अच्छा लगा तुमसे बात करके। अपन कहाँ तक पहुंच गए? बैंगलोर तक पहुंच गए। और दूसरी चीज ये कि आशा करता हूँ तुम मेरे जो वीडियोस देखते हो, अगर अच्छे लगते हैं तो कॉलेज में शेयर करते हो कि नहीं? हाँ सर करते तो है, अरे लेकिन वाह, सर वो 2-3 लोग को तो करते ही हैं, लेकिन उतने वो ग्रुप में करने करते का, हैं। कुछ लोग हैं जो करने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि उनका खुद का वो अपना फार्म हाउस है, वो क्या करे उनको। वो लोग नहीं में अगर नहीं मैं बोलूंगा, बोलूंगा क्या कर रहा है ये। कॉलेज में ये मैटर नहीं करता। देखो, अगर फॉर्म हाउस में भी हो, अगर ग्रोथ करोगे ना, फिलहाल बैंगलोर एक बड़ी शहर है, ठीक है? तो अगर कॉलेज के प्रोफेसर तक अगर चला जाता है ना, तो कॉलेज के प्रोफेसर जब देखते हैं, उनको समझ आता है कि यार ये तो बहुत अच्छी चीज है, मुझे खुद नहीं पता, ठीक है? तब हाँ ये तो है सर, क्योंकि वो प्रोफेसर को दूसरे, भी नहीं पता होता है बहुत तो कुछ। प्रोफेसर को अगर तुम भेज दोगे तो अच्छा लगेगा मुझे भी, कि चलो तुमसे बात करके बेनिफिट हुआ कि तुम्हारे कॉलेज के लोगों तक पहुंच गए हम लोग, ठीक है? अपने टीचर्स को भेज देना जरूर, और यस यस डेफिनेटली ओके उनको सर, अच्छा लगे तो खुद ही वो बच्चों को बोलेंगे कि यार वो कंटेंट देखो तुम्हारे यूज के लिए है ना। जैसे तुमने टेक्स्ट बुक बोला मुझे, अब मैं देखूंगा क्या होता है उसमें, मेरे को नहीं पता ना, तो इस तरीके से स्प्रेड होता है। तो दैट इज द बिग थिंग, मेरे लिए भी अच्छा रहेगा, ठीक है? हाँ तो सर अभी तो आपका वो ऑफ रहेगा ना, ऑल इन वन पे आप बोल रहे थे कि हाँ, अभी न्यू ईयर क्रिसमस पे आने वाला है, डिपेंड कर ऑक्टोबर रहा भी है। आने वाला है, क्रिसमस पे भी शायद, एक दिन के लिए क्रिसमस पे आएगा, 2 दिन के लिए न्यू ईयर पे आएगा। तो सर वो हाँ, वो तो अब तो तुम्हारा फिक्स हो गया, तुम्हें स्ट्रक्चर में ही जाना है, अब दुनिया चाहे जहां जाए तुम्हें वहां जाना है, खत्म, ठीक है? और सर ये बुक का नाम क्या बताया थे सर आपने? डॉक्टर व्हील साहब, चलो मैं तुम्हें ओ भेज दूंगा, अच्छा, नाम मैं लिख के भेज दूंगा व्हाट्सएप पे, यस ठीक है ठीक, ओके चलेगा? सर, ओके, थैंक यू सो मच आशीष, अच्छा लगा। और ये सबसे बड़ी चीज है कि हमने इसको रिकॉर्ड भी कर रखा है, तो बहुत से ऐसे लोग जो कंफ्यूज है तुम्हारे तरह, कॉलेज में बहुत से बच्चे कंफ्यूज है ना, मैं खुद भी था, ठीक है? तो उनको बड़ा लर्निंग मिलेगा कि हाँ यार ये चीज से ये बेनिफिट होता है कि पहले माइंड सेट फिक्स कर लो कि बी में कि पीवी में, एक चीज में ना, ठीक है? ये बहुत अच्छी चीज तुमने अभी क्लियर कर ली है, पता नहीं आगे तुम अगर इसी पर रहे तो बहुत ग्रोथ होगी यस आशीष, सर जरूर, चलेगा? चलिए, थैंक यू सो मच आशीष। हाँ, थैंक यू सर। ओके ओके।